सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मजबूल। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गूगल जो है टिकटॉक को लॉन्च कर रहा है, यानी टिकटॉक के तरह शॉर्ट यूट्यूब का जिसका नाम होगा शॉर्ट यूट्यूब। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकटॉक के तरह ही बिल्कुल ये एप्लीकेशन रहेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे फुल डिटेल में। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ये दोस्तों, बात करते हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वो यूट्यूब क्रिएटर्स यूट्यूब बनाते हैं और इस पर अगर व्यूज़ आता है तो उसकी कुछ पॉलिसी है, यानी 4000 मतलब वो थी 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जहाँ पे हम लोग वो कंप्लीट करके हमारे जो यूट्यूब चैनल पे हुए उस पर मोनेटाइज चलता है और हम लोग उसके ज़रिए से पैसे कमाते हैं। और टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि अगर टिकटॉक पे अगर आपका जो वायरल वीडियो होगा तो वहाँ से, यानी कि आपको कुछ फेमस वगैरह या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ, आप वहाँ से अपना नाम वगैरह कमा सकते हैं। बट वहाँ पे पैसे उतने नहीं होते हैं, अगर कमा सकते हैं तो आप इन स्पॉन्सर के शिप्स के जरिए ही कमा सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग कि टिकटॉक जो जितना भी यूज़र था वो पहले यूट्यूब का यूज़र था, जहाँ पे स्टेटस वगैरह या वहाँ पे डांस वगैरह चलता था तो वहाँ पे वो लोग काम करते थे। बट वो उन्होंने यूट्यूब को छोड़ के टिकटॉक पे आ गया, क्योंकि टिकटॉक पे एक अपॉर्चुनिटी था फेमस होने का और वहाँ से काफ़ी लोग जल्द ही वायरल हो रहे थे। तो इसी को ध्यान पर रखते हुए यूट्यूब ने एक साजिश रचा कि सभी यूट्यूबर जो है क्विट कर रहा है टिकटॉक पर, तो क्यों ना एक मतलब अपना कुछ तरीका लगाया जाए। तो यूट्यूब ने आखिर गूगल के तरफ से कुछ जो यूट्यूब शॉर्ट वाली एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है, अभी तक उसका टाइम नहीं बताया गया कि कब उसका मतलब लॉन्च होगा। और देखते हैं यहाँ पे ये कि क्या यूट्यूब शॉर्ट टिकटॉक को पीछे कर पाएगा। अगर वो अगर मोनेटाइज पॉलिसी लाएगा तो हमें लगता है कि ज़रूर से वो क्विट कर देगा टिकटॉक को, यानी पीछे पछाड़ देगा। और हम लोग बात करेंगे ये कि अगर क्या यूट्यूब पे ही वो अपडेट ला देगा या कुछ अलग एप्लीकेशन के जरिए उसको लाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात ये करेंगे, मेरी राय ये है कि अगर वो यूट्यूब पे लाते हैं तो बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाले हर यूट्यूबर्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि उसके लिए कुछ अलग से एप्लीकेशन आए जहाँ पे क्रिएटर्स शॉर्ट मतलब वीडियो बना के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, या वीडियो अपना बना सकते हैं या वायरल हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात नहीं करेंगे अर्निंग्स के लिए, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ भी राय और नहीं बताया गया है। सो इस तरह से यहाँ पर जो यूट्यूब का गुड न्यूज़ यही था कि अब आपका जो सब्सक्राइबर है और अब जो भी है, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर है तो आपकी परेशानी तो ख़त्म हो गई है। बट एक परेशानी ये है कि अगर यूट्यूब पे ये अपडेट आ जाता है तो यानी सबको इफ़ेक्ट पड़ने वाला है बहुत बड़ा। और अगर इसके लिए अदर्स एप्लीकेशन और बन के आएगी और शॉर्ट वीडियो इस तरह बनाएंगे यूट्यूब के लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कब आता है, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको फिर से लाऊंगा बताने के लिए। और इसी तरह अगर न्यूज़ आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।